बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फरार विधायक बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने यह नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब अब्बास अंसारी देश छोड़कर नहीं भाग पाएगा। बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने देश के सभी एयरपोर्ट को लुकआउट नोटिस जारी होने की सूचना भेज दी है। बता दें कि यूपी पुलिस भी अब्बास अंसारी को फरार घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर जाँच कर रही है। ईडी ने कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ व गाजीपुर के करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी जांच के जद में आए थे। गौरतलब है कि इससे पूर्व ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे को नोटिस जारी करके बयान के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। यूपी पुलिस भी मुख्तार के बेटे को फरार घोषित किया है। वह लखनऊ के एक मुकदमे में फरार है। अब ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि वे देश छोड़कर न भाग पाए।